आजा आजा आंधे आंधे आंधे। आइए जरा सनरूफ हटा, हमारे जस्ट ऊपर देखो क्या चल रहा है, कितने नोखीले है भाई साहब, मौत दिख रहा है। भाई साहब यहाँ पे फ्लो देखा भी मन्नी हूँ, वही तो हम बोले यहाँ पे फ्लो और तेज हो गया भाई साहब। भाई यार यहाँ तो कंफ्यूजन हो गया यार, दो दो रोड है, अब सर हम किससे जाएं? गलत होगा तो और मजा ही आएगा। देख इधर देख, मेरा कुछ मिलेगा उसको दिखाओगे ना। ये देखो भाई, ये बीच में ही रोक दे रहे हैं, ये बीच में ही रोक दे रहे हैं भाई। यहाँ पे शूट करो भाई साहब, भाई साहब ये बैठा हो, नहीं बैठे नहीं उतरेगा वो भाई साहब। देखो यहाँ पे देखो तो सीन कुछ ऐसा है, सब गाड़िया तो फंस रही हैं, बाकी देखते हैं कैसे निकलते हैं। रोड ठीक ठाक लग रहा है, बता दिए बाकी देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंडिका कैसे जा रहा है, विस्टा इग्निस निकल गया, नहीं उतर जाने दे इसको पूरा, फिर आता हूँ मैं, क्योंकि पता है क्या है, अभी जस्ट जस्ट जेसीबी ने बनाया उसको और फर्स्ट कार इग्निस क्रॉस किया, उसके बाद विस्टा है, फिर हम। अरे यार भाग लो जान बचा के, अरे वो वहीं पे रुक गए यार, उनको बोल हटने को, आगे कराएंगे जाएगा। हाँ थोड़ा मोशन में रहेगा गाड़ी तो हम आगे जाके ब्रेक मारम ना वहाँ पे। हाँ थोड़ा आगे रहा भाई, आ जाओ यार निकलते हैं, इनका तो हो गया, पहले तो निकल लिया। चलो तू भी सेफर से। अरे पास में ही खड़ा है बंदा, सुनो भाई बस उतर जाएगा, आजा आजा आंधे आंधे आंधे। नहीं चैम्बर नहीं बोलना चाहिए, ठीक है आंधे आंधे। चलो इसी की वजह से, इसी की वजह से स्टेट नहीं है, स्टेट स्टेट नहीं है, स्टेट चल। इसी की वजह से हम लोग दो घंटे से यहाँ पे वेट कर रहे हैं। थैंक्स थैंक्स यारो, तो आपने रूट कंप्लीट कर दिया टाइम पे। चलो इधर से निकल लिया साहब, देखो यहाँ से निकाला अभी क्या है, ये देखो पत्थर पत्थर पत्थर, और यहाँ पे ज़्यादा देर रुक नहीं सकते क्योंकि ये बहुत डेंजर है, तो यहाँ से निकलते हैं क्योंकि ये वाला पूरा ना स्टोन शूटिंग जोन एरिया है, तो निकलते हैं भाई पहले, उसके बाद बात करेंगे। भाई बाहर से भी फुटेज लिया है, खतरनाक था खतरनाक, लेकिन ईजिली
ब्रेकिंग के दम पे धीरे धीरे चलोगे ना हो जाएगा इजिली क्रॉस। चलो चलते हैं, सीट बेल्ट लगा लो अभी मनी। भाई अपन जैसे ही अभी पीछे वैसा वहाँ पे जो डिसेंट था ना, जो जेसीबी ने रास्ता बनाया, हम लोग एक घंटे तक लगभग रुके हुए थे। उसके बाद ये देखो, जस्ट उसके बाद हाफ टनलिंग और साथ में अपने नीचे जांस्कर रिवर चल रहा है। भाई साहब देखो, अगर मैं ऐसे ऊपर दिखा दूँ ना एक बार, भाई ये जरा सनरूफ हटा, एक बार ऊपर से देखो आप लोग हमारे जस्ट ऊपर क्या है भाई, दिखा गया हमारे जस्ट ऊपर देखो क्या चल रहा है। ऐसे में जा रहे हैं हम, अब समझ में आ रहा होगा आपको क्लियर। एक बार ऊपर का ना, पूरा ऊपर देखो, पत्थर देखो और कितने नोखीले है। ऐसा रिसेंटली ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको काटे हुए, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। देखा ऊपर देखने से क्या डर लग रहा है यार। भाई साहब इसको बोलते हैं लद्दाख। अभी आगे भी है, चलो मैं दे रहा हूँ हुई तुम्हारा। अभी आगे भी है ये सब, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया इतना ही से। वहाँ पे देखो पूरा हाफ टनलिंग किया हुआ पार्ट है भाई ये। स्पीति में था तो हाफ टनलिंग, लेकिन ये कि वो बहुत पहले बना था और ये अभी बहुत रिसेंट का है, तो ये बहुत ज्यादा ही डेंजर लग रहा है। प्रभाकर एक बार तेरे साइड से दिखा जा रहा नदी का व्यू। ये दो भाई साहब नदी ना पास में। पाँच बजे के बाद ही वहाँ पे छोड़ेगी, क्योंकि 10 से 5 बजे शाम तक, सुबह के 10 शाम के 5 बजे तक काम चलता है। तो भाई बियर उधर नहीं जाने देता है फिर, या तो आप 3:30 में सुबह आओ, क्योंकि 3:30 में सुबह नहीं तो फिर एक ही बार शाम। निमो पदुम डारचा रोड, वैसे हम जा रहे हैं डारचा से पदुम, पदुम से निमो, और ये है नीचे जांस्कर रिवर, और ये सामने देखो पूरा रास्ता एनपीडी का पार्ट ये भी है। हाँ मतलब ये बोलो कि लास्ट फेज है वो, जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना ज्यादातर, मतलब लिंगसीट से चीलिंग तक, वो लास्ट फेज ऑफ एनपीडी है, जो कि मार्च लास्ट को 31st के आसपास आया, या फर्स्ट में, ये मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा, लेकिन मार्च में ही कंप्लीट किया है बीआरओ ने। और मार्च में एक टीम इधर से काटते हुए जा रही थी पहाड़, और दूसरी टीम चीलिंग के साइड से आ रही थी, मतलब ले नीमो के साइड से, दोनों साइड से बीच में मैच हो गया था, तो वो मार्च में हुआ है। देखो हम इधर डारचा की साइड से जा रहे हैं ना, और 95 किलोमीटर तक है एनपीडी, मतलब अपने को नीमो एक तरह से 95 किलोमीटर ही है। हाँ मतलब इधर से जाएंगे तो नीमो सिर्फ 95 किलोमीटर। ये नीमो पदुम वाले पे आने दे रहा है क्या? नहीं बंद है। तो फिर आप लोग किधर से लिंक सीट हो गए? वाना से, जो लिंक सीट में कनेक्ट वानला, जो 125 किलोमीटर फ्रॉम हियर, ओके, उसमें से 20 किलोमीटर अच्छा मिलेगा। ओके रोड खराब है पर सीनिक अलग है, मतलब पहाड़ भी हर्ड, ये कैसा रिवर को लगते ना थोड़ा अच्छा, पासेज है वहाँ पे, दो पासेज मिलेंगे। ओके ओके नाइस।
ओके ओके क्या बोल रहे हो? कितना देर लगेगा उधर जाने? एक सेकंड रुकना, रुक कुछ बोल रहे हो क्या बोल रहे हो? उधर जाने में कितना टाइम लगेगा? तो हम लोग का 5 hours लगा, हम लोग 9:15 से निकले और अभी यहाँ पे पहुंचे 125 किलोमीटर तक। ओके ओके थैंक यू। ओके थैंक यू थैंक यू। 10 बजे करीब तो भाई अपन जो ये जो 95 किलोमीटर है ना ये पूरा नहीं कवर कर पाएंगे। अपन नीरक विलेज आगे वहाँ तक ही जा पाएंगे, फिर वहाँ से नीरक फिर लिंकसीड और लिंकसीड से कट लेके ये जो बोल रहे थे ना उस पे चले जाएंगे। क्योंकि 10 बजे के बाद वो लोग एंटर किए। अच्छा हाँ, मैं भी अपने को 5 बजे जाने को मिले, 5 बजे बोला है खुल जाएगा ये वाला पीछे जो मशीन लगी थी वो। हाँ हाँ सही है भाई। हाँ मैं भी, हाँ 5 बजे बोला था यार, तो शायद हम अगर टाइम पे पहुंच जाए तो जाने को मिले अपने को। 3 बजे करो 2 घंटे भाई। इसमें मैं नहीं सोचा था गाड़ी आ रही होंगी, लेकिन सामने से 2-3 bikers आ गए, अभी आपने देखा ही, तो संभल के चलेंगे टर्न पे। इसलिए मैं फालतू में भी हॉर्न बजाते चल रहा हूँ। ये नहीं सोचो कि गाड़ियाँ नहीं है, सोचो ही मत, हॉर्न मारते रहो। हॉर्न तो फ्री का है तो भाई, हॉर्न से बहुत कुछ हो सकता है। हॉर्न मारते रहो जहाँ पे विजन क्लियर नहीं है। की बात है इधर नो हॉर्न जोन भी नहीं, अभी मनु जैसा बोला। और बहुत बहुत नैरो है भाई, बहुत नैरो है। लेकिन जो लिंकसीड के बाद रोड मिलने वाला है ना वो ऐसा नहीं रहेगा, रिवर के साथ लग के नहीं जाएगा, उन्होंने ही बोला, बाइकर्स ने भी बोला, और मैं पहले देखा हुआ कुछ ब्लॉग्स में भी। तो चलो देखते हैं क्या होता है अपने साथ, किधर से जाने को मिलता है। भाई साहब मौत दिख रहा है, भाई साहब मौत दिख रहा है जांस्कर रिवर के फॉर्म में। यूज हॉर्न लो गियर, देखो यहाँ पे लिखा भी है यूज हॉर्न लो गियर। भाई साहब ये देखो बाहर से तो आपने देखा, एक बार यहाँ से देखो। अब तो काफी नजदीक से जांस्कर रिवर है, बहुत ज्यादा और ज्यादा दूर तक नहीं है ना भाई। देख तो मनु तेरे साइड से दिख रहा होगा, मतलब थोड़ा दूर तक है ना, बढ़ने लगा फिर मतलब एसेंट है। हाँ देखो वहां से फिर एसेंट है भाई। अरे एक जगह तो मैं देखा था एक फुटेज, बहुत नीचे था, बहुत ज्यादा नीचे था, एकदम नदी के पास में, और बाइकर्स पूरा चिलिंग तक। अगर ये रास्ता ही अच्छा, ये हो बंद कर दो भाई, भाई हर तरफ कैमरा भी तो लगाना पड़ता है ना आप लोगों के लिए। इसी बात पे लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब भी कर दो, और भाई का भी चैनल है और इस भाई का भी चैनल है, इनका ज्यादा सब्सक्राइब करना भाई, गाड़ी रिस्क लेके बहुत चला रहे हैं सब आपके लिए। सो कुछ योगदान करना है जांस्कर में, लद्दाख में। बोल रहे कि पुठिया पे खड़ा होके मुतेंगे, उधर एक पत्थर है उसी को पुठी बोलते हैं हम लोग बिहारी में, भोजपुरी में, उस पे खड़ा होके इनका फैंटेसी देखोगे ना आप, वो आगे वाले पीछे वाले सबका एक ही जैसा है। चलो साला मुत तो रहे हैं अलग, बोल रहे रिकॉर्ड भी करो। हाँ इनका अरे यहाँ फोटो लेना चाहिए ऐसे बे, चलो स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो एक ब्रिज आ गया और अपन साइड से रोड रिवर क्रॉस कर जाएंगे ब्रिज के थ्रू। और ये जो पहाड़ का हाइट है ना भाई, इसको मैं बयां नहीं कर सकता, ये कितना हाइट का है। देखो 0.66 में इतना दिख रहा है, वो साला एक बार में पहाड़ आ ही नहीं रहा है पूरा, बहुत ज़्यादा हाइट है, बहुत ज़्यादा। आगे भी देखो वैली भी पूरा नैरो डाउन हो गया है, बहुत ज़्यादा नैरो वैली है भाई साहब। यहाँ पे फ्लो देखो अभी मन्नी हूँ भाई, तो हम बोले यहाँ पर फ्लो और तेज हो गया भाई साहब। और क्या बोले यार, मतलब कैसे कैसे रोड बना हो गया यार। क्या बोले अभिमन्यु?
बुलाती है मगर जाने का नहीं आ रही है। धीरे धीरे ज्यादा ही पास आ रही है। नहीं यहाँ देखो, अरे भाई यहाँ से छोटे छोटे भाई साहब इतना नैरो नैरो है यार, ये कैसा है यार। आगे करो, दिख नहीं रहा। ये देखो यार, थोड़ा मीला डाउन करो, मैंने दिख रहा है भाई ये इतना नैरो। ये देखो यहाँ पे, फिर ऐसे जाके रिवर में मर्ज हो जा रहा है। ये सब छोटा छोटा ग्लेशियर से पिघल पिघल के भाई साहब। और आवाज सुने एक बार, सब शांत रह रहे हम लोग, आवाज सुनो। जन्नत है भाई, जिसको एडवेंचर पसंद है ना, जन्नत है। भाई यार यहाँ तो कंफ्यूजन हो गया यार, कुछ तो बोला। यहाँ पे दो दो रोड है, अब साला हम किस से जाए। नहीं ये रोड नहीं है, कि रोड ही है यार, रोड है यही वाला कुछ है। किस से जाए गुरु, याद नहीं कैसे बोला था, भूल गया मैं। एनपीडी है कि कैसे है, यहाँ पे एनपीडी लिखा है 4. समथिंग, क्या पता इसी के लिए ही होगा। मेरे को जहाँ तो लग रहा है ये लेना चाहिए, क्योंकि पीछे जो लिखा उसको येलो कर दिया है। हाँ, जो पत्थर पे है। हाँ, क्योंकि तो अपने को वो पीछे जो बोले थे ना, वो निराक बोले थे, तो शायद से मेरे को ये लेना चाहिए। क्या पता नहीं, हाँ वो लोग निराक से आए थे ना, हम लोग को इधर जाना है। नहीं नहीं निराक से तो लिंक सीट से, वो जो तू बाइक का बोल रहे ना, वो तो लिंक सीट से कट है। नहीं देख कंस्ट्रक्शन वाले से क्या पूछे थे हम लोग कि एनपीडी वाला रोड चालू है क्या, ये बोला था जाने को यार। निराक इधर चल, वही निराक वाले पे नहीं, इधर सुन क्या बोला था। कंस्ट्रक्शन वाले से पूछे थे एनपीडी वाला रोड चालू है क्या, तो बोला बंद है, 5:00 चालू होगा, आपको निराक होके जाना पड़ेगा बोला था। तो निराक होने के किसलिए बोला था, क्योंकि बंद है। तो निराक अभी अपने को निराक होके नहीं जाना है, क्योंकि एनपीडी जाना है 5:00 भाई। मेरे अकॉर्डिंग वोट मेरे अकॉर्डिंग निराक। मेरा नोटा है, मेरा भी नोटा है, ले लो नोटा है। तू बता मेरा ये निराक भी लो यार, गलत होगा तो और मजा ही आएगा। देख इधर देख, मेरा कुछ मिलेगा, लेकिन सच में मेरे को ये लग रहा है निराक। चल ना आगे कोई मिलेगा। यही थे हम, निराक ही जाना है। अगर आपको एनपीडी रोड पकड़ना है ना, नीमू निकलना है आपको कारगिल ले हाईवे पे, तो इधर से जाना को मिलेगा चिलिंग होते हुए। सबसे मेन इजी पॉइंट याद कर लो कि जांस्कर रिवर के साथ साथ चलना है। और अगर आपको नहीं जाने दिया बीआरओ वालों ने उधर से काम चलने के वजह से, तो ये लिंकसीट का जंक्शन है, जो कि लिंकसीट विलेज होते हुए आगे चला जाएगा। तो ये दूसरा वाला रोड है, यहाँ से देख लो क्लियर थोड़ा। तुम लोग खाली ब्लॉग देखना, आगे आके बनाना मत यहाँ पर, समझा ना। ब्लॉग बनाएगा तो साला रुक जाएगा गाड़ी। भाई को ले पहुंचना है, खाली ब्लॉग देखा जाता है, बनाया कम जाता है। 50 बार बोल दिया, मतलब 50 बार से ज्यादा बोल दिया कि लेह पहुंच जाना है। चलो चलते हैं, निकलते हैं अब इधर। फाइनली वी आर एट द लास्ट फेज ऑफ द एनपीडी रोड, जो कि लिंकसीट से चिलिंग का पार्ट है। ये सबसे लास्ट में बना है और मार्च में ये वाला पार्ट कंप्लीट किया है बीआरओ ने। और भाई को खाना पीना चाहिए, इंसान दिखना चाहिए। कॉन्टेक्ट अभी मौर्या कर लीजिएगा, मौर्या अभी ट्रिप प्लानर, ही इज द बेस्ट, ही इज द वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप प्लानर ऑफ एक्सट्रीम एडवेंचर। थैंक यू भाई, थैंक यू। और बेस्ट ड्राइवर आल्सो, थैंक्स। ये रास्ता देखो गुरु भाई, ये देखो, ये ऐसा ऐसा एसेंट और डिसेंट मिलेगा ना इस रोड पे, प्लस नैरो इतना ज्यादा है। अरे देखना यही है भाई, देख अभी पत्थर अभी चिकना भी नहीं हुआ है, तुम लोगों को नहीं बोल रहा था मैं, ऊपर देख। काई नहीं, नया नया छिला हुआ है ना, इसलिए हरा हरा है। रोड रोलर बोलो, जेसीबी लगा के, जेसीबी का क्या बोल रहे थे अभी हम लोग, बुलडोजर, और एक एक मशीन भी आता है वैसे। ओ भाई साहब, अल्टीमेट अल्टीमेट।
स्ट्रगल है भाई ब्लॉगिंग में, देखो साला किधर किधर कैमरा लगा है समझ नहीं आ रहा है। पॉइंट सिक्स इतना वैली ही बड़ा है कि हमको पॉइंट सिक्स भी लग रहा है कि कुछ कवर ही नहीं कर पा रहे भाई। नीरक वाला टर्न के बाद ये वाला ब्रिज आता है, इधर से रिवर, इधर रिवर। आप लोग जा रहे थे ना आगे तो ब्रेक ले लो, सही है यहाँ पे। अरे ऊपर हम गांव है, हाँ, और जो छोटा रास्ता है ना, हाँ हाँ, कौन सा था ये अपना चिलिंग वाला, चिलिंग वाला, हाँ, तो जाने नहीं देंगे, पाँच बजे के बाद देंगे। मेरी बात भी गई तो ये अभी आर्मी वाले बताते हैं वहाँ कोई वाटर क्रॉसिंग है, बड़ी खतरनाक पानी बहुत आता है। अरे तो अभी चिलिंग का दिखा रहा था 238 किलोमीटर पीछे आ रहा है, और उधर खलसी का रास्ता ठीक बता रहे हैं, ऊपर से ना खलसी जा, हाँ, अच्छा ये हम उस साइड चले जाएंगे, खलसी 110 के आसपास पड़ेगा, हम लोग भी वहीं स्टे कर पाएंगे। अच्छा मतलब नीमो ना होके खलसी से फिर हम कारगिल वाला रोड पकड़ेंगे, कारगिल नहीं, हाँ, खलसी से सीधा लुमो या वो कारगिल ले हाईवे ना, हाँ, कारगिल ले आइए, आगे ना वही मिलेगा, हाँ, नीमो और आगे पड़ेगा फिर कलस्ते के पास वही मिलेगा कलसी से। ओके ओके फुलका होगा कुछ तो नशा किया। देखो भाई जा तो पाए नहीं, झलक ही सही देख लेते हैं। आगे में हाफ टनलिंग का भी पार्ट है, यहाँ पे सांस फूल रहे यार, यार ये पूरा ये देखो यार, वहाँ पे जाएंगे अपन, वहाँ उस स्टॉप पे स्मेल आ रहा है इससे, जो इंडिका थी ना उसमें से कुछ तो धुआं धुआं आ रहा है। सिरला पास कैलाश पर्वत का छोटा भाई, जय महादेव। लद्दाख करो ये वाले रोड से भाई, फट के हाथ में ना आ जाए तो बोलना।